हेलो नमस्कार भाइयों, मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाया था कि जावा से माल आके पहली कन्वेयर आपने दूसरी वाली कन्वेयर, ये वाली कन्वेयर है वो, कि जो माल जावा से टूट के पहली बार कन्वेयर आता है वो उस पहली वाली वीडियो में आपने देखा भी होगा कि इस वाली कन्वेयर पर गिरता है इस तरह। ये देखो आप, इस पर पत्थर भी आपको दिख जाएंगे इस वाली कन्वेयर पर गिर के, वो देखो इस तरह ये इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। ये हम स्टॉक करते हैं कि वहाँ से बड़े, जैसे बड़े वाले पत्थर तोड़ के छोटे पत्थरों में कन्वर्ट करते हैं कि यहाँ पे इकट्ठा करके, कि जो कि मशीनरी को आगे हम आराम से कंटिन्यू एक रफ्तार में हम दे सकें। क्योंकि अगर हम जैसे जावा से डायरेक्ट माल देते हैं तो ये कई बार पत्थर, बड़े वाले पत्थर उसमें फंस जाते हैं, तो आगे मशीनरी खाली चलती है। तो मशीनरी खाली ना चलाने के लिए ये एक नई टेक्नोलॉजी लगाई हुई है कि इसमें पत्थर को इस तरह स्टॉक करते हैं। आपको सारा पत्थर दिखा देता हूँ, इसमें इसमें तीन चार पांच गाड़ी स्टॉक हो जाती हैं ये आराम से, ये चार पांच गाड़ी स्टॉक हो जाती है। क्योंकि अभी इतना पत्थर 15-20 मिनट लास्ट अड़ जाता है उसमें, इससे आगे उसमें फंसता नहीं है, उसमें निकाल देते हैं कि आगे मशीनरी खाली ना चले। इस वजह से इसमें इसको स्टॉक फाइल को लगाया गया है। इसके नीचे भी एक हॉपर दिया हुआ है जो कि आगे के लिए माल देता है। क्योंकि अब ये आपको अब देख रहे हो इतना बड़ा ढेर है, आगे कैसे जाएगा, किस तरह जाता है, ये देखो आपको इसमें, इस ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये वाला होकर, ये वाली कन्वेयर आ रही है ना, ये आगे जाती है, ये वाली कन्वेयर देखो आप, ये वाली कन्वेयर, ये होपर है, ये भी एक बना हुआ है उसी तरह। उसमें वो आपने देखी थी जावा के पास तो बहुत बड़ी ग्रेजरी थी, बड़ी वाली, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थरों को डाल रही थी। ये देखो इसमें भी बारिश की वजह से कितना माल आके जैसे कीचड़ है आ चुका है, इसमें अंदर गिर चुका है कन्वेयर। ये भी फुल है, ये देखो फुल है बिल्कुल है। ये देखो पानी इसमें कैसे निकल रहा है ऊपर से, ये वाले छोटे जो माल बोल्डर उसमें से टूट कर आता है, छोटा बोल्डर इस तरह आता है, ये यहाँ पे आके इकट्ठा इस तरह हो जाता है, यहाँ से चलता है, ये गिरे गिरे, ये भी वाइब्रेशन कर दे बहुत ज़बरदस्त। इसमें मोटर लगी हुई है, आपको दिखा देता हूँ मैं, ये वाली, ये वाइब्रेट वाली मोटर है, ये देखो आप, ये हल्की सी मोटर आपको देखती होगी, ये बहुत ज़बरदस्त वाइब्रेशन करती है इसमें, जो कि इस माल को बाहर निकालती है। इसमें थोड़ा थोड़ा जितना हमें आगे माल चाहिए उसी हिसाब से माल आगे देती है ये। इसका फायदा ये होता है कि एक साथ, अब अगर ये वाइब्रेशन मूव नहीं हो, ग्रेजरी नहीं होती है, तो माल अपने आप आएगा, एक आदमी को यहाँ अंदर खड़ा होना पड़ेगा, वो माल को आते उसमें चोट भी लगने का खतरा है, फिर उस पर इतनी मेहनत होगी भी नहीं कि कंटिन्यू जो माल लगातार आगे मशीनों को दे सके। इसलिए ये मशीन होती है लगी हुई है, इसमें आराम से स्टार्टर मारो, जितना माल चाहिए उतना चलाओ, फिर बंद कर दो, चलाओ बंद कर दो, इसी तरह से होती है। इसके नीचे आप देखो बहुत ही लोहा लगा हुआ है, क्योंकि इस पर पांच गाड़ी है कम से कम, इसके ऊपर 200-300 टन वजन होगा, 300 टन के लगभग कम से कम वजन होगा, 200 से 300 के बीच में टन वजन है, तो वो कैसे माल झेल रही है। ये गाटर लगी हुई है, 10-10 इंची गाटर है ये कम से कम, आपको फोन में छोटी दिख रही होंगी, 8 से 10 इंची गाटर, इसमें नीचे 10 इंची फिर ऊपर 8 इंची लगी हुई है इस तरह, क्योंकि जिस तरह का वो इसमें, क्योंकि नीचे ज़्यादा वजन होता है तो इसलिए नीचे हैवी गाटर लगाई जाती है, ऊपर कम वजन आता है तो फिर ऊपर उससे हल्की गाटर लगाई जाती है। इसी हिसाब से नीचे ज़्यादा आता है तो नीचे हैवी गाटर लगाई हुई हैं, इसी वजह से इसमें ऊपर तक गाटर लगाई गई है। ये देखो ग्रेजरी के लिए जो मोटर थी उसके लिए देखो ये लीड आ रही है इसके साथ, क्योंकि वहाँ स्टार्टर कमरे में वहीं से चलेगा सब कुछ, क्योंकि बहुत लोड है। आपको मैंने इसको बिल्कुल बारीकी से दिखाया था नीचे से कि आपके लिए मटेरियल, ये है इस मशीनरी का तीसरा पार्ट जो कि मैंने आपको अपनी वीडियो में अवगत कराया था। इसके बाद मैं आपको इसकी चौथी वीडियो में इसके अगला पार्ट अवगत कराऊँगा कि इसमें क्या होता है, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने से वो होते हैं कि क्या परेशानी इसी होती है कि भाई इतना लंबा क्या देखें या क्या होनी है, ये चीज़ देखते। ये देखो हरियाली भी है पेड़ों की, ऐसी नहीं है
कि यहाँ कुछ है नहीं, मशीन पे पेड़ भी लगने ज़रूरी होते हैं, इसी वजह से हरियाली है पेड़ों की। कम से कम 60-70 पेड़ लगा के रखे हुए हैं, जो कि अब बरसात हो रही है इसमें और बढ़िया हो जाएंगे ये, इसी वजह से, क्योंकि मशीनों पे पेड़ भी होना बहुत ही आवश्यक होता है, ये सरकार के रूल होते हैं, इसी वजह से पेड़ पे पेड़ लगाने आवश्यक होते हैं। फिर पर्यावरण के लिए ये भी अच्छा होता है, इसलिए पेड़ लगाते हैं इसमें। आप लोगों को भाई इससे अगली वीडियो में नेक्स्ट उसमें इससे अगला पार्ट दिखाऊंगा। थैंक